दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सब WhatsApp, Facebook, Twitter और Instagram यूज़ करते हैं। और यूज़ करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो आपके मैसेज की रिप्लाई में आपके दोस्त आपको इमोजीज भेजते हैं और उन्हें देखकर आपको समझ नहीं आता है कि इसका क्या मीनिंग होता है। और या कभी कभी आपको रिप्लाई में इमोजीज यूज़ करने का मन भी करता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से इमोजी यूज़ करूं, क्योंकि आपको इमोजीज के मीनिंग नहीं पता होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इमोजीज के मीनिंग जान जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दोस्तों, इमोजीज का मीनिंग बताऊं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इमोजीज को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्माइलीज एंड पीपल, एनिमल्स एंड नेचर, ईट एंड ड्रिंक, एक्टिविटीज, ट्रैवल एंड प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इमोजीज की पहली कैटेगरी स्माइलीज एंड पीपल के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होने वाली इमोजीज हैं और इसमें भी सिर्फ स्माइलीज के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले जो इमोजी है वो है ये, इसे ग्रीनिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आप खुश होते हैं तो इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इमोजी है। दूसरी इमोजी है ये, इसे स्माइलिंग फेस विद ओपन माउथ इमोजी कहते हैं। जब आप सकारात्मक मूड में होते हैं और कोई एक्साइटमेंट होती है तब इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को स्माइलिंग फेस विद ओपन माउथ एंड स्माइलिंग आइज कहते हैं। जब आप बहुत जोर से हंसते हैं या बहुत उत्साह में होते हैं और दिल से हंसते हैं तो ये इमोजी यूज कर सकते हैं। इस इमोजी को ग्रीनिंग फेस विद स्माइलिंग आइज इमोजी कहते हैं। जब आप जोर से और दिल से हंसते हैं तो इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे आप कटाक्ष के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस इमोजी को स्माइलिंग फेस विद ओपन माउथ एंड क्लोज्ड आइज कहते हैं। जब आपको कोई बात पे बहुत हंसी आती है या कुछ बहुत फनी हुआ होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे स्माइलिंग फेस विद ओपन माउथ एंड कोल्ड स्वेट इमोजी कहते हैं। जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आते हैं और खुश होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय इमोजी कहते हैं। जब किसी बहुत ही खुशी या हंसी के कारण आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं तब आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग इमोजी कहते हैं। जब आपको कोई जोक भेजता है और आपको बहुत ज्यादा हंसी आती है तो आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे स्माइलिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आप खुश होते हैं तो इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आइज इमोजी कहते हैं। जब आप खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और आपको मन की शांति महसूस होती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे स्माइलिंग फेस विद हालो इमोजी कहते हैं। ये इमोजी प्रेयर या विश करने के लिए यूज करते हैं और अगर आपने कोई अच्छा काम किया है वो बताने के लिए भी आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे शशिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको किसी को चुप रहने के लिए कहना हो या कोई सीक्रेट रखने के लिए कहना हो तो आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे स्लाइटली स्माइलिंग फेस कहते हैं। जब आप थोड़ा खुश होते हो तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे अपसाइड डाउन फेस इमोजी कहते हैं। जब आप जोक करते हैं और कोई सीरियस हो जाता है तो इस इमोजी का यूज कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि आप मजाक कर रहे हैं। इसे विंकिंग फेस इमोजी कहते हैं। इसका मतलब है आंख मारना। अगर आप किसी से फ्लर्टिंग करना चाहते हो तो इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे रिलीव्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप किसी तकलीफ या मुसीबत से बच जाते हैं और आपको सुकून मिलता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे स्माइलिंग फेस विद हार्ट आइज कहते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो या प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। और ये बाकी के इमोजीज हैं, जैसे स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आइज एंड थ्री हार्ट्स, फेस थ्रोइंग अ किस, किसिंग फेस विद स्माइलिंग आइज, किसिंग फेस विद क्लोज्ड आइज। इन सब का मीनिंग कुछ इसी तरह का है और आप इन सब को सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस इमोजी को फेस सेवरिंग डेलिशियस फूड इमोजी कहते हैं। जब किसी मजेदार या टेस्टी फूड की बात हो रही है तो आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे फेस विद स्टक आउट टंग इमोजी कहते हैं। जब आप सीरियस नहीं होते हो और मजाक के मूड में होते हो तब आप इस इमोजी का यूज कर सकते हो। इसे फेस विद स्टक आउट टंग एंड टाइटली क्लोज्ड आइज इमोजी कहते हैं। जब आप किसी का मजाक उड़ाने के मूड में होते हैं तो इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसे फेस विद स्टक आउट टंग एंड विंकिंग आइज इमोजी कहते हैं। इस इमोजी को आप जोक करने के लिए या फ्लर्टिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसे क्रेजी फेस इमोजी कहते हैं। जब आप किसी खुशी में पागल हो जाते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। इसे फेस विथ अ रेज आईब्रो इमोजी कहते हैं।
जब आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा है या कुछ सोच रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ मोनोकल इमोजी कहते हैं। अगर आपको किसी पे शक है या आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे नर्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप अपने आप को इंटेलिजेंट या स्मार्ट दिखाना चाहते हैं तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ सनग्लासेस इमोजी कहते हैं। जब आप कूल होते हैं यानी मस्त मूड में होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे स्मर्किंग फेस विथ स्टेरी आइज कहते हैं। जब आप किसी सेलिब्रिटी को मिलते हैं या आपको कोई चीज़ अमेजिंग लगती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ पार्टी ब्लोअर एंड पार्टी हैट इमोजी कहते हैं। जब आप कोई पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए कहना चाहते हो या फिर किसी से पार्टी मांगते हो तो इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली किसी का बर्थडे विश करने के लिए भी इस इमोजी का यूज़ करते हैं। इसे स्मर्किंग विम्सिकल फेस इमोजी कहते हैं। जब आप फ्लर्टिंग करना चाहते हो तो इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे अनअम्यूज्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप किसी बात को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हो या आप किसी बात से सहमत नहीं होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। इसे डिसअपॉइंटेड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप निराश होते हैं या आपको किसी बात का बुरा लगता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे पेंसिव फेस इमोजी कहते हैं। ये इमोजी नीचे देखते हुए चेहरे की है और जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो या आप निराश होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे वरीड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप किसी बात को लेकर परेशान हो रहे होते हैं या आपको चिंता हो रही होती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे कंफ्यूज्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्रॉनिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आप किसी बात से खुश नहीं होते हैं, निराश होते हैं तो ये दिखाने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। सफरिंग फेस इमोजी। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे कन्फाउंडेड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप बहुत परेशान, दुखी या बीमार होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे टायर्ड फेस इमोजी कहते हैं। जब आप थके हुए होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे वेयरी फेस इमोजी कहते हैं। जब आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से थक चुके होते हैं और अकेले रहना चाहते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ बैगिंग आइज इमोजी कहते हैं। जब आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस विथ स्टीम फ्रॉम नोज इमोजी कहते हैं। जब आप किसी बात पे प्राउड महसूस कर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे क्राइंग फेस इमोजी कहते हैं। जब कोई आपको हर्ट कर रहा होता है या आपको रोना आ रहा होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे लाउडली क्राइंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं या आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसे एंग्री फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो ये बताने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो आखिरी इमोजी है वो है ये। इस इमोजी को पॉटिंग फेस इमोजी कहते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तब आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 50 इमोजीज के मीनिंग बताए हैं। बाकी के इमोजीज के बारे में मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा, जो इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और प्रॉमिसिंग होगा। और अगर आप उस वीडियो